जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में मातृ वैश्य महासभा की 131वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर से आए वैश्य समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस जयंती की भव्यता देखते ही बनती थी, मानो लग रहा था कि कस्बे में कोई पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह फूलों और गुब्बारों से मुख्य मार्गों को सजाया गया और कई जगह इस जयंती का स्वागत सम्मान भी किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 10 दिन से चल रहे मातृ वैश्य महासभा द्वारा नियुक्त की गई क्रिकेट टीमों के बीच में हुए घमासान मैचों में विजयी रही खिलाड़ियों और उनकी टीमों को भी मातृ वैश्य जयंती महासभा द्वारा अवनीश कांत गुप्ता के हाथों पुरस्कार वितरण किए गए। आपको बता दें, इस जयंती की अध्यक्षता कर रहे श्री अवनीश कांत गुप्ता प्रमुख समाज सेवी ने समाचार एक्सप्रेस को बताया, इस जयंती में करीब 3000 लोगों ने हिस्सा लिया और महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही बताया कि आने वाले समय में इस जयंती को और अधिक भव्य मनाया जाएगा, जिसकी भव्यता को देखने के लिए नगर के अलावा दूर से भी लोग आएंगे। वहीं शमशाबाद मंडल अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने समाचार एक्सप्रेस को बताया कि संगठन में शक्ति होती है और जब वह शक्ति मिल जाती है तो बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है और किसी भी कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जा सकता है। सर, आज जो मातृ वैश्य महासभा की जो जयंती मनाई गई है, क्या कुछ कहना है आपका इस विषय में? ये मातृ वैश्य जयंती जो शमशाबाद के अंदर मनाई गई है, इसको हम वार्षिक और मातृ वैश्य समाज पूरे पर्व के रूप में मनाता है। आज इस जयंती का आयोजन काफी भव्य हुआ है, सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, सभी माता और बहनें घरों से निकली और इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। सभी बंधु छुट्टियां लेकर भी, कारोबार की छुट्टियां लेकर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से चल रहा है और अभी तक 6:30 बज चुके हैं। कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। कितने लोग तकरीबन इस कार्यक्रम में शामिल हुए? इस कार्यक्रम में लगभग 3000 लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे। क्या क्षेत्रीय विधायक ने इस कार्यक्रम में शिरकत की? उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को हमने इनवाइट किया था जी, वो हमारे पास आए, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और करीब 20-25 मिनट हमारे साथ रहे और एक पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भी यहाँ पर कार्यक्रम में आए, वो भी हमारे पास 15-20 मिनट रहे हमारे कार्यक्रम में शरीक। कार्यक्रम में पधारे लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी नहीं देखा। ये बात ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में पहले इस तरह का नहीं देखा। हालांकि 1981 में बहुत से लोग 81 के जन्म के बाद किए, 1981 में यहाँ पर एक महासभा का आयोजन हुआ था शमशाबाद के अंदर जी, उसकी भव्यता इससे 81 में भी 10 गुनी थी जी, लेकिन वो एक महासभा का कार्यक्रम था। लेकिन मातृ वैश्य की वार्षिक जयंती मनाई जाती है, ऐसा भव्य कार्यक्रम शायद पहली बार ही हुआ है। आने वाले समय में इस जयंती को और कितना अच्छा बना सकते हैं? इस जयंती को हम भव्य और भव्य और भव्य बनाएंगे और इतना भव्य बनाएंगे कि लोग इसको देखने के लिए बाहर से भी आएंगे। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता है जी। मैं पश्चिम शाखा सभा से उपमंत्री हूँ और भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ शमशाबाद से जी। आइए, जो जयंती का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास रहा है आज की जयंती में? खास एक तो ये है, हमारी जयंती कोई नई नहीं बन रही है, 131 साल से लगातार बनती आ रही है, 131वीं जयंती है, लेकिन इसको हमने भव्य रूप, जो एक ऐसा मानो जो पर्व होता है मातृ वैश्य समाज का, उस पर्व के रूप में इसको बनाया है। आज की जयंती के साथ साथ आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि संगठन में शक्ति है जी, जब हमारा संगठन एक होगा तो हम लोगों से और हमारे समाज के बंधुओं से, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे कोई भी हो, वो जरूर अपना समय हमारे लिए निकालेंगे। धन्यवाद।